हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। देखिए, बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों, ये जो अपडेट है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने अगर अप्लाई किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी या डी के लिए ऑनलाइन फॉर्म, तो दोस्तों पेपर आपका किस मोड पर होगा, यानी पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, एडमिट कार्ड आपके कब आ जाएंगे और आपकी जो परीक्षा है, जो एग्ज़ाम है, वो कब होगा, ठीक है, ये सारी जानकारी आपको इस जो है अपडेट में मिलेगी। तो सबसे पहली बात यह है कि जो आपका स्टेज फर्स्ट का एग्ज़ाम होगा, देखिए ये आपका स्टेज फर्स्ट का जो एग्ज़ाम होगा वो किस मोड पे होगा। देखिए, जूनियर असिस्टेंट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस बार इन दो पदों पर वैकेंसी थी ग्रुप सी में, ठीक है, और स्टेनो में थी। हालांकि हम यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस की बात करने वाले हैं, तो यहाँ पर देखिएगा कि 90 मिनट का पेपर होगा, 100 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, अधिकतम मार्क्स आपके 100 होंगे, ठीक है, यानी एक क्वेश्चन एक नंबर का। हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज और मैथ, यानी 25-25 क्वेश्चन इन सब्जेक्ट से आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। सेकंड स्टेज जो आपका होगा, इसमें फर्स्ट स्टेज में जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे वो स्टेज सेकंड में भाग ले पाएंगे। इसमें हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग टेस्ट आपकी होगी, स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। इसमें देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, फिर से बता दूँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और जो आपका एग्ज़ाम होगा ये OMR बेस्ड होगा। कैसे होगा ये OMR बेस्ड? साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टेज फर्स्ट जो आपका एग्ज़ाम होगा ये OMR सीट पे होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात ये कर लेते हैं कि जो पोस्ट है आपकी स्टेनोग्राफर की, स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है इसमें स्टेज तीन होंगी, बिल्कुल जूनियर असिस्टेंट के जैसे ही पेपर होगा। इसमें स्टेज सेकंड जो होगा इसमें दो पार्ट होंगे, एक में तो आपका हिंदी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट हो गया कंप्यूटर पे, दूसरा आपका जो पार्ट बी होगा इसमें हिंदी इंग्लिश का स्टेनो होगा। जो भी आपका हिंदी है तो हिंदी का, इंग्लिश है तो इंग्लिश का, ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी सेम, नो निगेटिव मार्किंग। क्वेश्चन का जो पेपर पैटर्न होगा स्टेज फर्स्ट का बिल्कुल सेम रहेगा, 25-25 क्वेश्चन इन चार सब्जेक्ट से, 90 मिनट का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर बात ये भी करने वाले हैं, जो दोस्तों आपका ग्रुप डी का पेपर होगा ये भी जो है OMR बेस्ड होगा, लेकिन इसमें केवल एक ही पेपर होगा। ग्रुप डी में केवल एक ही पेपर होगा स्टेज फर्स्ट वाला, जिनका जो होगा हिंदी, इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ और मैथ, 25-25 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट का होगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स होंगे, केवल 25-25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। अब बात करेंगे एग्ज़ाम डेट को लेकर के, तो आपका जो एग्ज़ाम है, मैं आप बता दूं, ध्यान देना, जैसा कि मुझे अपडेट मिली है कि आपका जो एग्ज़ाम है ये दोस्तों फेब के एंड में इसके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और मार्च में इसकी परीक्षा होगी, ठीक है। फेब एंड में इनके, क्योंकि 7 दिन पहले एडमिट कार्ड रिलीज़ कर देता है इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम है, इसके लिए आपको जो एडमिट कार्ड है वो 7 दिन पहले मिल जाएंगे, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगी और साथ ही साथ इसकी जो परीक्षा है ये फेब एंड में आपके जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ कर दिए जाएंगे और मार्च के फर्स्ट वीक में इसकी जो है ना परीक्षा होगी, ठीक है, जैसा मुझे सुनने में आया है। बाकी आप लोग तैयारी अपनी करते रहिए। जय हिंद सभी को। आप इस अपडेट को लाइक करिए, शेयर करिए, तैयारी आपके यहाँ करवाई जा रही है तो तैयारी यहाँ से जुड़ के कर सकते हैं।